अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों के मुतल्लिक। आज है 10 जनवरी 2023 और मंगल का दिन है। एक्सेशन डे जो कि 11 जनवरी है, उसकी एक तो तकरीबा जो है भरपूर तरीके से मनाई जाएंगी। और उसी मुनासबत से आज हिजब जस्टिस सुल्तान हैतम बिन तारिक ने अनाउंसमेंट किया है कि 121 कैदियों की सजाएं माफ़। एक्सेशन डे की मुनासबत से जो कि 11 जनवरी है, 121 कैदियों की सजाएं माफ़ करने का ऐलान किया गया है। उसमें खारजी भी शामिल हैं और ये सिर्फ जो हल्के फुल्के केसेस वाले लोग हैं उनकी सजाएं माफ़ होती हैं, मेजर वाले नहीं प्लीज़। और दूसरा है, अल्लाह का भला करे, ओमानी सेटेलाइट जो कि कल लॉन्च की गई थी कि वो अपने ऑर्बिट में पहुंचेगी और सेटेलाइट से फिर बाकी सब चीज़ें वो हासिल की जाएंगी, लेकिन वो मिशन फेल हो गया किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, हो सकता है कि सेकेंड अटैम्प्ट की जाए। यूके से जो है वो लॉन्च की जा रही थी। और दूसरी खबर है ओमान ही की, वो है ओमानी फुटबॉल टीम ने जो गल्फ कप चल रहा है उसमें यमन को 3-2 से हरा दिया, जो कि आहो और जो कि आहो मतलब का मैच जो है काफ़ी टफ था और थ्रिलर यानी मैच था, जिसके बाद वो मैच ओमान जीत गया। इसके अलावा फ़िलहाल कोई बड़ी अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट आती है वो भी शेयर करते हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।